लोगों का इवेंट्स है, एक किलोमीटर साइकिल से चलने का औकात नहीं, रथ से चलने का दो दिन औकात नहीं, इतनी बड़ी घटनाएं घटी। इस बार रामनवमी में जुल्म हुए, पटना बाढ़ में निकलने का औकात नहीं, आप सीए पर निकलने का औकात नहीं, सदन में अपने विधायकों को बचाने की हैसियत नहीं। इस बिहार में एनबीसीसी रेलवे के एग्जामिनेशन पर ये नहीं निकले, एक ग्रुप डी पर नहीं निकले, कंप्लीट भारत में दलित आदिवासी अत्यंत पिछड़े के बच्चे जितना जीनियस हो जाए उसको यूपीएससी बीपीएससी एसएससी ऐसे जैसे में नौकरी मिलेगी नहीं, नौकरी फिनिश्ड हो गई, एजुकेशन सिस्टम को कलप्स कर दिया। बीपीएससी पहले भी प्रोफेसर में जब घोटाला हुआ था तब तो यही लोग थे, सत्ता पक्ष और विपक्ष हिस्सेदारी कर लिया, इनके कई विधायक यूपीए बीपीएससी से प्रोफेसर बने हैं, कहां से बने रंजन यादव के समय में, ऐसे ऐसे लोग साइंस कॉलेज में केमिस्ट्री के टीचर हो गए जिसको इंग्लिश का और मैथ का पता नहीं है, ऑर्गेनिक का पता नहीं है, ऑरिजन का पता नहीं है, इसके पहले बीपीएससी के चेयरमैन दो दो जेल गए। आखिर इनसे पूछिए कि बिहार में ही क्या कारण है कि आज तक प्रश्न पत्र लीक होता रहता है, इस पर क्यों नहीं बोलते, जब लाठियां चलती है उस पर लाठी क्यों नहीं खाते। पूरे बिहार में आज कंप्लीट रूप से पूरा बिहार कोलैप्स कर चुका है। जाति जनगणना इनको कहिए कि 87-85% लोगों को मात्र 27% आरक्षण दिया गया था, और जब लालू यादव राबड़ी देवी नीतीश कुमार जैसे रामविलास जी जैसे लोग मुख्यमंत्री और मंत्री थे तो उस वक्त यदि हम ऊंची जात के लोगों को 10% 14% में देने का हम लोगों ने मन बनाया कि वहां जो गरीब है उन्हें भी दें, तो फिर उस वक्त ये तय क्यों नहीं हुई, जबकि पप्पू यादव के बेटे को जनरल में भी मिल जाएगा, जो ऊंची जात में जीनियस है जनरल कोटा में भी उनको मिलेगा, उनको तो 110 और 120 मिल गई, लेकिन जो दलित और आदिवासी अत्यंत पिछड़ा उसको तो 10% घट गया। इस पर कोई नेता और कोई सरकार नहीं बोलती है, जो प्रमोशन से लेकर सब चीजों में खराब हो गई। आप ऊंची जाति को आरक्षण दीजिए, मैं इसका सबसे बड़ा पक्षधर हूं, जो गरीब है मिले, लेकिन 85% को तो आप कम से कम 50% से ऊपर आरक्षण दीजिए कि नहीं। आप तो 27% से घटा दिए 10, और उसमें से आपने हमारा दे दिया, तब तो ये देश नहीं बोला आज तक कभी, तो वो लोग 120 हो गए और हम 10 नीचे हो गए। है हिम्मत और औकात तो बोलिए लड़ने के लिए, विधायक बचाने की औकात नहीं, अपने वर्कर के लिए लड़ने की औकात नहीं, जाति जनगणना किसने रोका, कौन रोका, आप तो थे सत्ता में 15-17 साल कर लेते, क्यों आपने विशेष पैकेज नहीं लिया कांग्रेस के रीजन में, देवेगौड़ा और गुजराल को तो आप बनाए, आप प्राइम मिनिस्टर, आप तो किंग मेकर थे, आप कहते दस्तखत करो जाति जनगणना पर, कौन रोका है आपको, यह दुनिया को बताइए पहले। आप जब जनता दल की सरकार थी किंग मेकर थे लालू यादव और नीतीश कुमार, या नीतीश कुमार जी विशेष पैकेज की बात करते हैं राज की, अटल जी के साथ ये थे, बीपी सिंह के साथ ये थे, उस वक्त क्यों ये लोग भूल गए, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, हमेशा पॉलिटिकल इवेंट्स, कौन रोकता है किसको कहीं जाने आने से, बस इन्हें सुगुफा छोड़ना कोई मतलब नहीं। क्यों सुगुफा क्यों भैया, कोई दुकान बंद हो रही आएगी, कोई लड़ने की हिम्मत नहीं, बिहार के 14 करोड़ लोगों को आप बात नहीं करिएगा, हमेशा जात पात करिएगा, हमेशा बीजेपी की भाषा बात करिएगा, लाउड स्पीकर के सवाल पर निकालिएगा नहीं, जब दलितों पर कमजोरों पर जुल्म होगा
लगेगा हमको बहुमत बहुसंख्यक का वोट नहीं मिलेगा, अल्पसंख्यकों को डरा के वोट लीजिएगा, लेकिन जब उसके सुरक्षा के सवाल आएंगे तो नहीं निकलिएगा ना दिल्ली में ना मुजफ्फरपुर में। और बात जब दोनों की होती रहती है नीतीश कुमार जी दोनों परिवार की, और जब दोनों एक हैं ही तो किसको आप ठग, जब तक जिंदा रहे लोभी जब तक डिंगा रहेगा ना ये ठग का दुकान चलता रहेगा। नहीं समझे, हम लोग इतना बड़ा लोभी हैं सब ये पब्लिक, तो ठग का दुकान तो चलेगा। तो हालात अच्छे नहीं हैं, जाति जनगणना नीतीश कुमार ने कहा कि हम अपने पैसे से कराएंगे और बहुत कम पैसा लगेगा, और इसके लिए पॉलिटिकल इवेंट्स करने की और सिर्फ आज तक कोई मुद्दा आप बता दो, कोई एक मुद्दा का नाम बता दो जिसमें लालू यादव जी रामविलास जी लोग को छोड़ दीजिए उसके बाद जो किसी भी सेकेंड लाइन बना को एक मुद्दा पर बोल पाए या लड़ पाए या जा पाए या कर पाए, बस झूठ बोलने की परंपरा है। और ये लोग समझ चुके हैं पब्लिक को झूठ बोलो या जुमला लो या पैसा ला दो बाल बल्ला धन ले आओ पैसा ले आओ फलना ले आओ 15 लाख दे दो 2 लाख दे दो 6 करोड़ नौकरी दे दो हवा दे दो पानी दे दो बिजली दे दो। 2 लाख मेगावाट बिजली नहीं है उत्पादन की क्षमता, तो कहां से बिजली आएगी। तो जाति जनगणना ये नीतीश कुमार जी दोनों आदमी से आग्रह है कि अब मूर्ख मत बनाइए और बिहार अपने पैसे से बिहार की जाति जनगणना आप कराइए। 14 करोड़ जनता में दलित आदिवासी नुनिया चंद्रवंशी कहार कुम्हार जाति जनगणना में सबसे ज्यादा दलित अत्यंत पिछड़ा लोग की आजादी होगी। तो इसीलिए जनाब ये पॉलिटिकल इवेंट्स पर हम कोई बात नहीं करेंगे। आज जरूरत है बात करने की बीपीएससी पे, या जरूरत है बीएसएससी का 13,000 की वैकेंसी का 8 साल पहले क्या हुआ, आज जरूरत है कि आर्मी की 3 बार बहाली का क्या हुआ, आज जरूरत है मेंस और भाभा क्या कारण है कि ग्रुप डी में आप ला रहे हो, पहले मेडिकल था और फिजिकल था, क्या मिडिल क्लास के बच्चों को कुछ नौकरी नहीं करने दोगे। जरूरत है हेल्थ और एजुकेशन को बनाने की, फ्री करने की दलित और कमजोर और पिछड़ों के बच्चों के लिए, जो गरीब है उसके लिए हम उस पर बात नहीं करते। खोदा पहाड़ निकली चुहिया हल्लुक मैट ब्लैक हो रहा है, जब मन आए तब कुछ बोल लेना है। नीतीश जी भी वही विशेष पैकेज होगा तो बिहार तरक्की करेगी, हम भी तो वही बात कहते हैं। इसीलिए जनाब छोड़िए, ये कंप्लीट इन लोगों का एक अंधा बनाने के लिए पब्लिक को ये लोग बेवकूफ समझते हैं। सदियों से इन नेताओं ने भारत को कभी हिंदू मियां कभी जाति कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड कभी भूरा बाल कभी बाभन को गरियाओ कभी जनो तोड़ो कभी यादव को गरियाओ कभी छाती तोड़ देंगे कभी 32 सीना तोड़ देंगे, कभी भी मुद्दों पर बात नहीं हुई। सरकार में थे इतनी बड़ी घोटाला हुई इसकी पूरी जांच की मांग सीबीआई से करें, हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में हो, अविलंब आर्मी बहाली शुरू हो, 6-6 साल तक बहाली ना रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ना ले जाया जाए और क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, कोचिंग माफिया नेता और पदाधिकारियों के मिले भगत से इसकी गारंटी हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर केरल में दिल्ली में महाराष्ट्र में लीक नहीं होता आज तक, सिर्फ बिहार में होता है। इसका मतलब है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने बिहार के ओरिजिन को ही कोलैप्स कर दिया। तो जब आप जमीन को ही नष्ट कर दिए हैं तो कहां से बनाइएगा।